न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। निमाड़ क्षेत्र की तीन बड़ी खबरें। पहली खबर खरगोन जिले के भिगनगांव से, जहां मछली पालन के लिए डूब प्रभावित किसानों ने किया जनपद पंचायत का घेराव। कहा, फर्जी किसान समिति बनाकर ले रहे हैं लाभ, हम है डूब प्रभावित किसान। क्षेत्र के जेदगढ़ में तालाब में मछली पालन करने के लिए स्थानीय ग्रामीण किसानों ने मंगलवार को जनपद पंचायत भिकनगांव पहुंचकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय किसानों ने कहा कि हम तालाब के क्षेत्र के डूब प्रभावित किसान हैं, लेकिन उक्त तालाब पर फर्जी किसान समिति बनाकर मछली पालन कर रहे हैं, जबकि हम 10 वर्षों से इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि हम पीड़ित किसान हैं, हमारी जगह फर्जी किसानों ने समिति बना रखी है, उनकी जांच हो, कार्रवाई की जाए। मैडम, जेदगढ़ तालाब को लेकर कुछ जो डूब के किसान थे उनकी नाराजगी आज सामने है, क्या है पूरा मामला? जेदगढ़ तालाब के लिए मछली पालन हेतु पट्टे की मांग की जा रही है और विगत 10 वर्षों से इनके द्वारा मांग की जा रही है, मांग पूरी न होने के संबंध में अवगत करवाया था। आवेदन है तो हमने 3 जून को विज्ञप्ति जारी की थी, जिसके अंतर्गत इन्हें सहकारिता विभाग से पंजीयन करवाना था, जिसमें विलंब होने के कारण उक्त महिलाएं मुझे अवगत कराने आई थी कि इन्हें भी पट्टे मछली पालन के पट्टे प्रदाय किए जाए। इस बाबत समस्याओं का आवेदन दिया है, जिसका हम जाँच करके जल्द ही निराकरण करेंगे। पीड़ितों का आरोप है कि जो जिन लोगों की समिति में नाम है उनकी जमीन ही नहीं है वहाँ पर, और जिनकी जमीन है उनके नाम काट दिए गए हैं। पूरे प्रकरण की जाँच करवाई जाएगी, विधिवत जाँच दल गठित करके हम इसका निराकरण। दूसरी बड़ी खबर बड़वानी जिले के अंजड़ से है। मंगलवार दोपहर बड़वानी रोड की मां कालका आयल मिल के परिसर के रोड से होकर एक धामनकार प्रजाति का 7 से 8 फीट लंबा सर्प काम कर रहे मजदूरों के पास जा पहुंचा। सांप को देखते ही वहां के मौजूद मजदूरों व अन्य में हड़कंप मच गया। इसके बाद तुरंत सर्प मित्र महेंद्र पाटीदार को कॉल करके बुलाया, जिन्होंने आकर सांप का रेस्क्यू किया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान कुछ लोग मोबाइल पर सांप को रेस्क्यू किए जाने का मोबाइल पर वीडियो भी रिकॉर्ड करते रहे। सर्प मित्र महेंद्र पाटीदार ने बताया कि यह धामनकार प्रजाति का सर्प है। इस तरह के अनगिनत सांपों और अजगरों को विभिन्न जगहों से पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ चुके हैं। तीसरी बड़ी खबर खरगोन जिले के बड़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत 22 अक्टूबर को फरियादी हरीश गंगवाने पिता रमेश चंद गंगवाने निवासी गणगौर घाट बरवा के साथ अज्ञात आरोपी गणों द्वारा ठगी की घटना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फरियादी हरीश की रिपोर्ट पर बड़वा थाना में अपराध दर्ज कर पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया था। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, एएसपी श्री जितेंद्र सिंह पवार एवं एसडीओपी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी संजय द्विवेदी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इस पर थाना प्रभारी बड़वा श्री संजय द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस की टीम तैयार की गई। टीम को गुजरात भेजकर गिरोह के एक और आरोपी हरिओम पिता राधा मोहन को गत 28 अक्टूबर को पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से करीब 5 सोने के सिक्के तथा 2 किलो नकली सोने के सिक्के, पीतल के धातु के सिक्के एवं 5000 रुपए के विधिवत जब्त किए गए हैं। आरोपी को मंगलवार न्यायालय में पेश भी किया गया। न्यूज लीडर्स के लिए भिकनगांव से प्रशांत भाल से, अंजड़ से सतीश परिहार, बड़वा से गोविंद शर्मा की रिपोर्ट।